गुड मॉर्निंग, नमस्ते। दिस इज़ रीना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीना अनु ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड शो में मेरे पौधे जो है ना बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। अभी जो है कि टाइम 12 बज रहा है, नहीं बजने वाला है, मतलब 11:54 हो रहा है। और मैं आज चैलेंज वीडियो करने वाली हूँ कि एक घंटा में मैं 6 लोगों के लिए खाना अच्छे से बना लूँगी कि नहीं। और वैसे तो मेरा काम हो जाता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि एक घंटे में मैं अपने सारे काम कैसे करती हूँ, दाल चावल सब्जी सब कुछ कैसे प्रिपेयर करती हूँ और सैलड। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि मैं एक घंटे में ये सब कर पाती हूँ कि नहीं। और मैं आप लोगों को टाइम भी दिखा देती हूँ। तो अभी टाइम जो 12 बजने वाला है और मैं किचन में अपने इंटर कर चुकी हूँ। तो अभी मैं चढ़ाने वाली हूँ दाल, जिसमें मैं मिक्स दाल बनाऊँगी आज, अरहर का और मसूर का और मूंग दाल। ठीक है, इन तीनों को मिक्स करके मैं बनाऊँगी। तो तीनों को वॉश कर लिया है मैंने, और इसको दाल को 3 पानी से मैंने वॉश किया है। वॉश करने के बाद मैं इसे कुकर में चढ़ा दूंगी, और साथ में मैं आज मिर्ची कट करके डाल दूंगी और एक टमाटर कट करके डाल दूंगी। और मेरे घर में 6 मेंबर हैं, तो उसी अकॉर्डिंग मैं दाल डालूंगी। और थोड़ा मैं एक्स्ट्रा ही रखती हूँ ताकि जो मेरे बाबा जी हैं उनकी एज ज़्यादा है, तो उन्हें थोड़ी सी सब्ज़ी कैसे ड्राई हो जाती है शाम के टाइम, तो खाने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा उन्हें गीला गीला चाहिए होता है, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करती हूँ। और फिर मैं नमक और हल्दी हींग सब कुछ डाल के और फिर मैं चढ़ा दूँगी। ठीक है, कभी कभी ना जैसे टाइम सेविंग के लिए इस तरह से भी बनाया जाता है, तो बाहर से हमें इसे फ्राई नहीं करना पड़ता, बस तड़का लगा दो जीरे से। तो ये इजी तरीका है जब कुछ कम टाइम हो और अच्छी दाल बनाने का। तो और मैं दाल चढ़ाने के बाद तुरंत ही आती हूँ, फिर वेजिटेबल्स अपना कट करने लगती हूँ। बिना किसी के हेल्प के मैं सारा काम करती हूँ, और जैसा कि मैं बहू हूँ, मेरी बस सासू माँ हैं, तो फिर वो मेरी हेल्प, मतलब इंडियन टिपिकल सासू माँ टाइप की थोड़ी सी हैं, तो उनसे तो हेल्प की मतलब उम्मीद करना मुश्किल है। लेकिन कभी कभी वो खुद से इच्छा करती है तो लहसुन वहसुन छील देती हैं, वरना मैं कहती नहीं। तो आज थोड़ा सा जो मेरा, मैंने सोचा कि आज मैं इसकी सब्ज़ी बना देती हूँ। भिंडी था मेरे घर में, और मेरे हस्बैंड को भिंडी बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ा सा कम था, तो मैं उसमें आलू ऐड कर दे रही हूँ। और भिंडी पहले से वॉश होके रखी थी, मतलब हाफ़ मैंने बनाया था तो उसी टाइम वॉश कर दिया था। तो जस्ट मैं सिंपल तरीके से बनाऊँगी। और इसी टाइम मेरे घर में आ गया है दूध, जो कि 2 लीटर आता है। तो खाने के साथ साथ अब मैं दूध भी गर्म करूँगी, इसलिए दाल पहले उतार देती हूँ, ताकि दूध से घी निकालते हैं ना, तो दूध, ताकि दाल का जब वो प्रेशर से सीटी लगेगा तो उससे उसमें उसके छींटे या फिर कुछ भी जो निकलता है वो उसमें नहीं जाएगा। मम्मी को मेरे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब मैंने दूध चढ़ाया उतने समय मेरी दाल हो चुकी थी, सब्जी कट चुकी थी, और फिर मैंने कढ़ाई भी साथ में चढ़ा दिया, तो एक साइड में दूध गर्म हो जाएगा, दूसरे साइड में कढ़ाई में मैं सब्जी भी तड़का लगा दूंगी। और मेरा 2 ही बर्नल है, जैसे 4 रहता है तो जल्दी जल्दी हो जाता है ना, चारों पे कुछ ना कुछ चढ़ा दो। और मेरा 2 ही है तो मैं 2 ही में यूज़ करती हूँ और जल्दी हो जाएगा। तो तड़का मैंने लगा दिया है, और अब मैं वेजिटेबल्स अपना जो भी कट की हूँ उसे डाल के मैं उसे पकने दूँगी। और उधर मेरी सब्ज़ी पक रही है, दूध गर्म हो रहा है, दूसरी तरफ मैं चावल भी धुल लेती हूँ, दाल पक चुकी है। तो और मैं ना जैसे कि चावल धुल के थोड़ा सा छोड़ देती हूँ 5 मिनट, उससे जो थोड़ी बहुत गंदगी रहती है ना वो और अच्छे से निकल जाती है। चावल क्या, दाल को भी ऐसे ही करते हैं। और साथ में लगे मैं जैसे कि जो सब्ज़ी फ्रिज से निकालूंगी वो भी रखती रहूँगी, और जो सेल्फ काउंटर मतलब है वो गंदा होगा उसे भी क्लीन करती रहूँगी। जो मेरे बर्तन 2-4 निकलते हैं मैं वो भी करती रहती हूँ, वो शायद मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, पर साथ में मैं किचन की क्लीनिंग भी करती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि फैला के छोड़ती रहूँ, ऐसा नहीं करती मैं। और जो बर्तन वगैरह रहेगा मैं उसे भी इस तरह से उठा उठा के उसकी जगह पर लगा देती हूँ, क्योंकि ये सब काम फिर लास्ट में करना पड़ता है और पूरा बिजी हो जाता है, मतलब फैल जाता है पूरा किचन। और मेरा थोड़ा किचन बड़ा है, फिर भी अगर फैलाओ तो किचन तो बिल्कुल फैल जाता ही है।
गला भी मेरा फंसने लगा इस टाइम। और ये देखो मेरी दाल हो चुकी है ना अच्छी से। और मैं जो चावल चढ़ाती हूँ ना मैं इसी कुकर में ही बनाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं निकालती। ऑलरेडी मेरे घर में बहुत बर्तन निकल जाता है, और दो दो कुकर निकालूँ तब तो मैं और परेशान हो जाऊँगी, क्योंकि फिर उसे क्लीन भी मुझे ही करना रहता है। तो मैं जिसमें दाल बनाती हूँ उसे पलट देती हूँ, और फिर मैं उसी में चावल भी बना लेती हूँ। तो मैं अभी चावल चढ़ा दूँगी, और उधर मेरा दूध ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है तो वो फिर खाली हो जाएगा और मैं उस पर चावल चढ़ा दूँगी। और इतनी टाइम में ना बिल्कुल रेस्ट नहीं, 2 मिनट का भी मैं रेस्ट नहीं करती हूँ, प्रॉपर करती रहती हूँ, चलती रहती हूँ, जल्दी 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 अपने काम निपटाती हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में ये भी रहता है कि 1 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाना चाहिए। और फिर मेरे को मेरे हस्बैंड के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना होता है, फिर उनका वर्किंग आवर शुरू हो जाता है तो बिल्कुल टाइम मुझे नहीं मिल पाता उनके साथ, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी और फास्ट फास्ट करती हूँ। उसके बाद जब वो काम करने लगते हैं मेरे पास टाइम रहता है तो मैं अपना और कुछ कुछ करती रहती हूँ, और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ तब। लेकिन उनके लिए, उनके साथ टाइम निकालने के लिए मुझे ये सारे काम थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। और जैसा कि आप देखिए ना, चावल भी मैंने चढ़ा दिया, दूध भी मेरा हो गया, दाल भी मेरी हो गई। अब मैं आटा लगा दूँगी, और जब तक मेरा चावल होगा तब तक मेरा आटा गूंथ जाएगा। आटा मैं हाथ से नहीं गूंथती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से ज़्यादा लोगों का आटा मैं हाथ से नहीं गूंथ पाती हूँ। और जब तक मेरा आटा गूंथ रहा है, चावल और सब्जी हो रहा है, तब तक मैं इधर सैलेड को भी पिल ऑफ कर देती हूँ, मतलब उसे छील के रख लेती हूँ और क्लीन करके। और उसके बाद मैं खाने से थोड़ा सा पहले, मतलब जब मुझे लगेगा कि अब मुझे कट कर देना चाहिए तो मैं कट कर दूँगी। तो मैं इसे छिलका उतार के क्लीन करके, और जो भी मेरे चाकू वगैरह मैंने यूज़ किया है पीलर, उसे क्लीन करके रख दूँगी। और इस तरह से बिल्कुल नाच नाच के किचन में 1 घंटा काम करती हूँ, तो 1 घंटे में हो जाता है। और जो भी डब्बे डुब्बे जो भी मैंने उतारा रहता है, यूज़ किया रहता है, उसे सब उठा के उसकी जगह पर रख देती हूँ। और अब पारी आ गई दाल में तड़का लगाने का, तो आज मैं घी से तड़का लगा रही हूँ, और अक्सर ही घी से ही लगाती हूँ। जैसा कि मैंने उसमें टमाटर मिर्ची ये सब कुछ ऐड कर दिया था ना, तो अभी बहुत सिंपल तरीके से जीरा और राई हल्का सा डाल के ही मैं तड़का लगाऊँगी, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है, और उससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अभी ये तड़का प्रिपेयर हो गया है, एंड अभी इधर भी मैंने धनिया भी गार्निश करने के लिए दाल में डाल दिया था। धनिया की फ्लेवर आता है तो अच्छा लगता है ना। और अब देखो ये मेरी दाल रेडी है, लग रही है ना अच्छी। अगर गर्मी का टाइम है ना तो किचन में बिल्कुल रहने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी तड़का वड़का सब कुछ हो गया और सब कुछ प्रिपेयर हो गया, बच गया सिर्फ वो, और जो भी मैंने कटिंग बोर्ड वगैरह यूज़ किया था। बन गया खाना, मैंने 1 घंटे का चैलेंज दिया था, और मैंने सैलेड भी प्रिपेयर कर दिया है, दाल चावल सब्जी हो गई है, आटा गूंथ गया, मेरे को रोटी बस बनानी है। रोटी बनाने में मुझे मुश्किल से 7 से 8 मिनट ही लगेंगे, 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा रख लिए हैं, तो वो भी बन जाएगा। यानी 1 घंटे में अगर जो मैं प्रॉपर खाना अपने घर का 6 लोगों का खाना बनाती हूँ, 6-7 लोगों का, तो बन जाता है। और मेरे घर में 6 लोग हैं इतनी समय, और सारे मतलब बड़े लोग हैं, कोई बच्चे नहीं हैं, सबके लिए प्रॉपर खाना बनाना पड़ता है। टाइम दिखाया ना तो 12:45 हो रहा था, अभी मेरे पास 15 मिनट का टाइम है, तो 15 मिनट में बहुत टाइम है। तो सब कुछ हो गया है, साथ साथ में सब क्लीनिंग भी होती रही है। और अभी मैं सोच रही हूँ ना, इधर मेरे कपड़े रखे हुए हैं, आज ही मैं ऊपर से लेके आई हूँ, तो मैं उसे तब तक फोल्ड करके रख लेती हूँ, फिर मैं किचन में चलती हूँ, और 15 मिनट में ये सारे काम मेरे फिनिश हो जाएंगे। ठीक 1 बजे मैं आप लोगों से मिलती हूँ टाइम के साथ। तो इस बीच मेरे पास थोड़ा सा टाइम है 15 मिनट का, तो इसमें मैंने सोचा कि जो टाइम बचता है मैं उसे वेस्ट ना करती हूँ, मेरे जो और ये छोटे छोटे काम रहते हैं वो भी मैं निपटा लेती हूँ। तो अभी मेरे कपड़े पड़े हुए थे तो वो मैं अच्छे से क्या मतलब थोड़ा सा फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि ये डेली यूज़ के हैं तो इसे निकालना ही है पहनने के लिए।
और इस तरह से मैं टाइम का यूज़ करती हूँ, उसे एक घंटे में भी जो मेरे पास 10 मिनट 15 मिनट रहता है उसे भी मैं वेस्ट नहीं करती, और वो भी काम मेरा, फिर मुझे वो काम दोबारा नहीं करना पड़ता है जो इस टाइम में हो जाता है, और उसके बाद मेरे पास टाइम ही टाइम थोड़ा होता है अपने लिए, टाइम अच्छे से प्रॉपर निकल जाता है। अब फिर दोबारा मैं किचन में आ गई हूँ और जल्दी जल्दी मैं सैलड कट कर लेती हूँ, जिसमें मैं आज खीरा, चुकंदर और गाजर थोड़ा सा कट करूँगी। और अब बारी आती है रोटी बनाने की। मैं थोड़ा सा, मेरे को हल्का सा थकान सा महसूस हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, और लगे हाथ में खाना बना रही हूँ तो मेरे हस्बैंड निकाल के मैं निकाल दी थी थाली में सब्जी दाल, और जैसे मैं रोटी बनाऊँगी ना तो मेरे घर में तुरंत बनती हुई रोटी सब लोग खाते हैं, तो तुरंत वो खाना निकाल के दे देंगे। और इस तरह काम करने से काम जल्दी होता है, टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई बहुत फास्ट काम नहीं करता, सबके पास उतना ही टाइम होता है और दो ही हाथ होते हैं, ठीक है। और इधर मैं क्लीनिंग भी जो भी है मैंने यूज़ किया है, बर्तन और काउंटर जो भी आटा वाटा गिरा था वो सब क्लीन करके मैं रख दूँगी, और फिर चलते हैं आप लोग को टाइम दिखाते हैं। मैं भी आप लोग को टाइम क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन 12 बजे में इसमें 2-3 मिनट कम है। ये चैलेंज जीत लिया क्योंकि अभी मैंने आपको टाइम दिखाया है तो 1 बजे में 2-3 मिनट ही कम है, और मेरा सारा खाना पीना हो गया है। तो अगर जो आप लोग ऐसा चैलेंज करना चाहते हैं तो करिए और वीडियो बनाइए, और आशा करूंगी आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर जो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मैं पसीना पसीना हो गई हूँ तो अब मैं करूंगी रेस्ट, और इस तरह से प्रॉपर 1 घंटे लगने के बाद मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। सबको लगता है मैं बहुत फास्ट काम करती हूँ, पर ऐसा नहीं है, सबके पास दो ही हाथ होते हैं और उतना ही टाइम होता है। बस ये है कि हम टाइम का मैनेजमेंट कैसे करते हैं और प्रॉपर उस टाइम में बिल्कुल ना रेस्ट होते हुए अपने काम निपटाया जाए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।